हम में से बहुत से लोग ये सुनते हैं कि उसने तो फ्री में 20 लाख रुपए जुटा लिए हैं, या फिर कहीं न्यूज में पढ़ लिया कि इसने क्राउड फंडिंग से करोड़ों की फंडिंग उठा ली है। तो क्या है ये क्राउड फंडिंग और इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और इंडिया में वो कौन सी टॉप साइट्स हैं जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू एट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अभी इंडिया में हर तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव चल रही है। हम सब कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम सबका वो आइडिया कई बार सिर्फ एक चीज की वजह से रुक जाता है और वो है फंडिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने बिजनेस आइडियाज के लिए इन तरीकों से हम फंडिंग ले सकते हैं। एक है बूटस्ट्रैपिंग, दूसरा है फ्रेंड्स एंड फैमिली, नेक्स्ट है बिजनेस लोन्स, फिर आता है एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटलिस्ट। लेकिन इन सब में हमें कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है, चाहे एक्स्ट्रा रिटर्न्स हो या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें फंडिंग भी मिल जाए और हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स भी ना देने पड़े, तो उसके लिए फंडिंग आइडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी नया है, लेकिन क्योंकि आज हम ऐसे एक एरा में हैं, यानी कि सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं, तो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी की फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी को अपने ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए हो, सबके लिए क्राउड फंडिंग एक काफी रिलायबल सोर्स है। कुछ पॉलिटिशियंस ने तो क्राउड फंडिंग से ही 7-8 दिनों में 60-70 लाख तक के फंड भी रेज किए हैं। अब जानते हैं इंडिया में कौन सी टॉप साइट्स हैं जहां से हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। पहली है किकस्टार्टर। किकस्टार्टर इंडिया में पहली क्राउड फंडिंग साइट है। इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स, बुक्स, रिसर्च जैसे कि कैंपेन्स के लिए जाना जाता है। इसमें अब तक मैक्सिमम क्राउड फंडिंग हुई है 26 लाख रुपीज। तो अगर आप भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फंडिंग उठाना चाहते हैं तो आप किकस्टार्टर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स एक्सेट्रा डालकर फंड्स रेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट साइट है मिलाप। तो मिलाप मेजरली पर्सनल और सोशल कॉजेस के लिए फंडिंग उठाए जाने वाली टॉप साइट्स में आता है। मिलाप एनजीओ, सोशल एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स के लिए फंडिंग रेज करने जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। मिलाप का मिशन है रूरल इंडिया को माइक्रो लोन्स ऑफर करना। तो अगर आप किसी सोशल या फिर पर्सनल कॉज के लिए फंडिंग उठाना चाहते हैं तो आप मिलाप पर रजिस्ट्रेशन करके अपने कॉज की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और अपने लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट साइट आती है केटो। केटो इंडिया में क्राउड फंडिंग के लिए सबसे पॉपुलर साइट्स में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर हेल्थ केयर, एजुकेशन, पर्सनल कैंपेन्स, एनिमल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कैंपेन्स फीचर किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो मेरा एक फ्रेंड है जिसको अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनानी है और इसके लिए उसने केटो पर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स एंटर करी और उसको अपने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज किया, साथ ही साथ अपने कनेक्शंस को भी पर्सनली फॉरवर्ड किया और उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए 3 लाख रुपए तक की फंडिंग भी मिली उसको वहां से। तो अगर आपको भी अपने किसी कैंपेन या फिर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए तो आप क्राउड फंडिंग से करना चाहते हैं तो केटो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि क्राउड फंडिंग क्या होता है, बिजनेस के लिए फंडिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, क्राउड फंडिंग के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। आई एम श्योर कि आपको क्राउड फंडिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी लेकर आए हैं। अब अगर हमें फाइनेंस से जुड़े कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हमने शुरू किया है जोश मनी का टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम फाइनेंस से जुड़े सारे डिस्कशंस कर सकते हैं और साथ में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और पिंड कमेंट्स में भी है। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।